Good morning, class 7th. Students, in the previous class, we have started chapter number 5, which is related to a history portion, and the name of this chapter is Architecture as Power, Forts and Scattered Places. इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टू टॉपिक्स. पिछली क्लास में हम लोगों ने नॉर्दर्न एंड सदर्न टाइप्स के जो मिडाइवल पीरियड में जो टेंपल्स थे किस तरीके से बनते थे, कौन से स्टाइल को वो फॉलो करते थे, कैसे उनके गर्भगृह में कौन विराजमान होते थे, उनका जो गेट होता था उनको किस किस पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सदर्न पार्ट में क्या बोला जा रहा है, ऑल वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स, कि क्या मतलब था, क्यों बनाई गई थी ये बिल्डिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक. टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वर ब्यूटिफुली बिल्ड बिकॉज दे वर प्लेसेज ऑफ वर्शिप. दे वर मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन. एंड इंस्क्रिप्शन मेंशन द राजराजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग राजेश राजेंद्र देव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजराजेश्वरम. द किंग टुक द गॉड्स नेम एज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपियर लाइक अ गॉड. तो जो टेम्पल होते हैं, जो मंदिर होते हैं या मॉस्क्यूज होते हैं, वो पूजा के स्थल होते हैं. अब इनको बहुत ज़्यादा अपनी पावर या कितना मैं पावरफुल हूँ वो दिखाने के लिए उन्हें भव्य बनाया जाता था, वेल्दी बनाया जाता था, भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए उन्हें बिल्डअप किया जाता था. एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है कि राजराजेश्वर टेम्पल जो कि राजराजेंद्र देव ने बनाया है अपने भगवान की पूजा करने के लिए, उन्होंने भगवान का नाम ही खुद के नाम पे मतलब एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक तरीके से खुद को उनका अवतार मानते थे. द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय किंग एंड हिज अलाइज. टेम्पल क्या होता है, एक मिनिएचर होता है कि कैसे भगवान जो हैं वर्ल्ड रूल्ड बाय अ किंग एंड हिज अलाइज. द टेम्पल मिनिएचर होता है कि जो राजा किस तरीके से अपने किंग के सॉरी अपने एम्पायर के अंदर रूल ओवर कर रहा है, अपने अलाइज के साथ काम कर रहा है. द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स एंड लेसर डाइटीज इन टेम्पल्स वर deities of kings, allies and subordinates. By building temple and mosques, king and sultans emphasize their moral rights to be rulers as they thus proclaim their close relationship with gods. सभी को भगवान के अंदर आस्था रखनी चाहिए, वही किंग की भी यही मान्यता है. वो भगवान के में आस्था रखते हुए मंदिरों का निर्माण करवाते थे एंड मॉरल राइट्स जो है टू बी रूलर्स जो कि उन्होंने एक राजा की पदवी पर रखते हुए लिए हैं उसको एक तरीके से एम्फेसाइज किया जा रहा है. मैनी सुल्तान्स बिल्ड टैंक्स एंड रिजर्वर्स फॉर यूज ऑफ द पीपल. इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रेस्पेक्ट बाय फॉर द बिल्डिंग ऑफ लार्ज रिजर्वर आउटसाइड दिल्ली कोहना कॉल्ड हौज ए सुल्तानी. समटाइम्स टेम्पल मॉस्क्यूज एंड गुरुद्वारा हैड और टैंक्स एंड रिजर्वर. सो लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए अगर हम अपनी जनता के लिए काम कर रहे तो ठीक है, बट बहुत सारे राजाओं ने रिजर्वॉयर्स बनाए हैं, कुएं बनाए हैं ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सके. तो उनमें इल्तुतमिश का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिन्होंने एक लार्ज रिजर्वॉयर बनाया आउटसाइड दिल्ली कोहना जिसे हौज सुल्तानी भी कहते हैं. और भी मंदिरों में इस तरीके से तालाब आपको देखने को मिलते हैं, रिजर्वॉयर देखने को मिलते हैं. गुरुद्वारे में आपको आपके नीचे गोल्डन टेंपल की और अधिकतर गुरुद्वारों में इस तरीके के आपको पॉन्ड शेप में देखने को मिल जाएंगे जिसमें मछलियाँ तक तैरती हैं. नाउ व्हाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, क्यों इन्हें बर्बाद कर दिया गया, इन्हें तोड़ा गया. फर्स्ट पॉइंट सॉरी व्हेनेवर किंग्स अटैक द नेबरिंग एरियाज देयर मेन टारगेट यूज टू बी द टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड रिचेस. तो सबसे पहले अगर कोई भी पड़ोसी राज्य का जो राजा है वो हमला करता है राज्य पे, तो उसका सबसे पहला एम क्या होता था, इनके मंदिरों पे हमला करो, क्योंकि मंदिर क्या है, अपनी भव्यता दिखाने के लिए उन्होंने भव्य भव्य मंदिर बना दिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, पैशन दिखाने के लिए, अपनी जो भक्ति है वो भगवान को दिखाने के लिए उन्होंने मंदिरों को बनाया. तो सबसे पहले वो अटैक किस पर करते थे, मंदिरों पर करते थे. नाउ इन द 9th सेंचुरी पांडियन किंग श्रीमार श्रीवल्लभ अटैक श्रीलंका एंड डिफीटेड किंग सेना फर्स्ट. ही ऑल्सो
also seize the golden image of Buddha and remove all valuable jewels kept in various monasteries. The next Sinhalese king, Sen II, ordered his general to invade Madurai. He found the restored the gold and statue of Buddha. तो पांड्य राजा के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के राजा पर हमला किया और जो बुद्धा की मूर्ति थी उसको सीज कर दिया और बहुत सारे जो उन्हें सोने हीरे जवाहरात मिले वो अपने साथ लेके चले गए। जब नेक्स्ट जो किंग बने श्रीलंका के सेन सेकंड, उन्होंने जाकर मदुरई पर हमला किया और जो भी चीज़ें थी वो अपने साथ वापस लेके आ गए, रिस्टोर कर लिया उन्होंने जो बुद्धा की मूर्ति उन्होंने सीज कर दी थी। In 11th century, the Chola king Rajendra first built the Shiva temple at his capital and filled it with prize statue he had acquired from his various attacks on neighboring kingdoms. It included the sun pedestal from Chalukyas, a Ganesh statue and many Durga statues and Nandi statue of the Chalukyas and image of Bhairavi from Kalinga in Odisha and Kali statue from Palas. Okay. अब यहाँ पर देखिए कितनी जगह से क्या क्या ये उठा के ले आया है, मतलब क्या क्या लेके आया उठा के, अगर गलत वर्ड हो तो। राजेंद्र फर्स्ट ने शिवा टेम्पल बनाया अपने कैपिटल में और भर दिया उसे जहाँ जहाँ से वो जो भी स्टैचूज और या फिर कोई मूर्ति लेकर आए। नाउ कैंपेन मोहम्मद, आपके थर्ड पॉइंट में महमूद ऑफ गजनी ने भी एक तरीके से बहुत बर्बादी की थी इंडिया में आके, इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था जिनमें सोमनाथ टेम्पल का नाम सबसे पहले है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द रीजनल किंगडम्स। सबसे पहले विजयनगर एम्पायर, उसके बाद है राजपूत किंगडम्स, हम लोग कवर अप करेंगे। विजयनगर टेम्पल हैड रेक्टेंगुलर इनक्लोजर वॉल्स विद द गोपुरम मीन्स गेट विद गोपुरम इन द मिडल ऑफ ईच साइड। आप नीचे देख सकते हो विजयनगर जो है वो रेक्टेंगुलर इनक्लोजर बनाते थे, मतलब उनके जो गेट्स हैं ना, पहले साउथ इंडिया में हम लोगों ने देखा था एक ही गोपुरम होता था, इन साइड आप उसके अंदर घुस सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग इन्होंने कैरेक्टराइज मिडिल गोपुरम जैसे बनाए हुए हैं शेप में। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस पीरियड वॉज डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल कॉम्प्लेक्स द विठला स्वामी टेम्पल एंड विरूपक्ष टेम्पल एट हम्पी आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर विजयनगर रूल्स। तो यू हैव टू अंडरलाइन दीज टू टेम्पल्स कि विजयनगर रूल के अंदर कौन से दो टेम्पल्स को याद किया जाता है उनके स्ट्रक्चर्स के लिए। द एलिफेंट स्टेबल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन सुल्तनत्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। एलिफेंट स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता था इन मंदिरों को बिल्डअप करने के लिए, जो कि कहाँ से एक तरीके से इंस्पायर कह सकते हैं, कहाँ की स्टाइल है, बीजापुर और गोलकुंडा की। नाउ बाहमनी किंगडम को देखेंगे। बाहमनी द सुल्तान्स ऑफ द बाहमनी किंगडम्स बिल्ड न्यूमरस मॉस्क्यूज मदरसाज एंड लाइब्रेरी। द गोल गुम्बज एट बीजापुर वॉज बिल्ड बाय महमूद आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर। अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि गोल गुम्बज बीजापुर किसने बनवाया था, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी हम लोग इसे हाईलाइट या अंडरलाइन करेंगे। एज हिज ओन मॉसोलियम अदर मोन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वॉज जामा मस्जिद एट गुलबर्ग एंड द मदरसा एट महमूद गवान एंड द टॉम्ब ऑफ बीदर। ओके नाउ राजपूत किंगडम्स बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे। मेहरानगढ़ फोर्ट हम लोगों ने देखा है जो जोधपुर में है, कभी घूमने गए हों आप लोग जोधपुर में फोर्ट देखा है। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट तो बहुत ही मैसिव है एंड द विक्ट्री टावर एट चित्तौड़ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा ऑफ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ अब इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम लोगों ने ये देखा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, अपनी पावर अपने सत्ता को दिखाने के लिए ये किंगडम्स बनाई जाती थी, भगवान के प्रति जो डिवोशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। बट जब भी हमले होते हैं तो हमलों का नतीजा क्या होता है कि जो आपकी अपोजिट में जो किंग है उनके लोग आकर हमला कर देते थे और इस हमले में बहुत सारे टेंपल्स को नुकसान पहुंचा था, जिनमें हम लोगों ने श्रीलंका का एग्जांपल देख लिया। हम लोगों ने ये देखा कि राजेंद्र फर्स्ट कहां कहां से कौन कौन सी मूर्तियां कौन कौन से स्टेचूज लेके आए हैं एंड हमने यहां पर महमूद ऑफ गजनी का अटैक
बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुँचाया है वो भी हमने मेंशन आउट कर लिया है। हम लोगों ने रीजनल किंगडम्स में विजयनगर, बाहमनी एंड राजपूत किंगडम्स के भी मेजर मेजर अगर हम बोलें तो फोर्ट्स या आर्किटेक्चर्स देख लिए उन्होंने किस तरीके से अपने एरिया में बिल्डअप करवाए थे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से उस टाइम पर ना तो कोई क्रेन होती थी, बड़े बड़े हैवी मशीनरीज नहीं होती थी, इतने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स वो लोग बना कैसे लेते थे, उनकी इंजीनियरिंग उस टाइम के जो वर्कर्स थे इतने एडवांस कैसे थे जो आज के वर्कर्स को भी अच्छी भरी टक्कर दे रहे हो, एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सल्तनत पीरियड ऑल्सो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स वेरी वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।